बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं आपके सामने उर्दू आईटी एकेडमी की तरफ से लेक्चर नंबर 8 प्रेजेंट कर रहा हूँ। इस लेक्चर के अंदर हमारा टॉपिक ऑफिस 365 प्रो प्लस एंड क्लाइंट कनेक्टिविटी है। इस लेक्चर में हम ऑफिस 365 प्रो प्लस की इंस्टॉलेशन करेंगे और साथ साथ डेस्कटॉप क्लाइंट की कनेक्टिविटी करेंगे टू ऑफिस 365। इस लेक्चर के अंदर टू थ्योरेटिकल टॉपिक हैं और एक डेमोन्स्ट्रेशन है जिसमें हम ऑफिस 365 को एक एंड यूज़र एक्सपीरियंस के तौर पर एवेलुएट करेंगे। ऑफिस 365 प्रो प्लस इंस्टॉलेशन। ऑफिस 365 प्रो प्लस बेसिकली है क्या? मैंने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर ऑफिस 365 ऑफिस एप्लीकेशंस के बारे में बताया था। ऑफिस 365 में हमारे पास ऑफिस के दो मोड अवेलेबल हैं। एक डेस्कटॉप मोड जिसके अंदर हम ऑफिस की एप्लीकेशन को अपने डेस्कटॉप ओएस से मैनेज कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं और उसको हम कहते हैं ऑफिस 365 प्रो प्लस। और एक ऑफिस 365 का ऑनलाइन मोड है जिसमें हम डेस्कटॉप पे नहीं बल्कि ओवर द इंटरनेट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल को यूज़ कर सकते हैं और एडिटिंग कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट या अपनी शीट की, और उस मोड को कहते हैं ऑफिस 365 ऑफिस ऑनलाइन मोड। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि ऑफिस 365 प्रो प्लस के अंदर दो तरह की डिप्लॉयमेंट होती है। एक एंटरप्राइज डिप्लॉयमेंट होती है जिसको हम अपने ऑफिस 365 के 70347 कोर्स में कवर करेंगे, क्योंकि हमारा वो कोर्स एंटरप्राइज डिप्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से इस्तेमाल होगा। यहाँ हम ऑफिस 365 प्रो प्लस की इंस्टॉलेशन करेंगे एज अ इंडिविजुअल यूज़र। फॉर एग्जांपल, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय हूँ और मुझे अपने पास ऑफिस 365 प्रो प्लस करना है, तो मैं ऑफिस 365 प्रो प्लस कैसे करूँगा? इस कोर्स के अंदर ऑफिस 365 का जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो स्मॉल टू मीडियम है। नेक्स्ट कोर्स के अंदर ऑफिस 365 का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग मीडियम टू लार्ज है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में हूँ और जहाँ मेरे पास इंटरनेट अवेलेबल है, जहाँ मेरे पास ऑफिस 365 अवेलेबल है और मैं ऑफिस 365 की सर्विसेज यूज़ कर रहा हूँ बीइंग एन एंड यूज़र, तो मैं अपने लैपटॉप पर ऑफिस 365 की ऑफिस एप्लीकेशन इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो जब मैं ऑफिस 365 की ऑफिस एप्लीकेशन इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो पहला क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि मैं ऑफिस 365 की ऑफिस एप्लीकेशन इंस्टॉल कहाँ से करूँ? देखें, जिस तरीके से, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ कि ऑफिस 365 प्रो प्लस का कोई मीडिया नहीं है जैसे कि पहले के ऑफिस वर्जन में मीडिया अवेलेबल होता था और आप उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करते थे। अब ऑफिस 365 में आपके पास URL अवेलेबल हैं जहाँ से आप ऑफिस 365 प्रो प्लस का एक क्लिक टू रन टूल डाउनलोड कर सकते हैं। और जब आप वो टूल डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद आपको वो क्लिक उस एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना होता है और उसी की वजह से वो ऑफिस 365 प्रो प्लस को डायरेक्ट डाउनलोड करती है और फिर इंस्टॉल भी कर देती है। मैं आपको थोड़ी सी इसके अंदर और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक पर हो सके। देखें, ऑफिस 365 प्रो प्लस को अगर मुझे डाउनलोड करना है, तो मेरे पास बेस्ट और रिकमेंडेड तरीका यह है कि मैं अपने ऑफिस 365 के पोर्टल पे लॉगिन करूँ और वहाँ पर मेरे पास इंस्टॉल ऑफिस या इंस्टॉल सॉफ्टवेयर का एक बटन आता है, उस पर मैं क्लिक करूँगा और मेरे पास ऑफिस की एप्लीकेशन का एक क्लिक टू रन एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी। और मैं उसको जब डबल क्लिक करूंगा, उसके बाद मेरे पास ऑफिस 365 प्रो प्लस इंटरनेट से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा और ऑटोमेटिकली वो इंस्टॉल हो जाएगा जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। जब मैं ऑफिस 365 प्रो प्लस अपने पास इंस्टॉल कर लूँगा, उसके बाद फिर मैं इस प्रोडक्ट को एक्टिवेट करूँगा बाय गिविंग माई ऑफिस 365 क्रेडेंशियल। तो बेसिकली इस पूरी स्लाइड के अंदर आपको वो पूरा तरीका समझ आ रहा है कि ऑफिस 365 प्रो प्लस को आप किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। जब आप ऑफिस 365 को ऑफिस 365 की क्लिक टू रन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं और उसको डबल क्लिक करके आप जब ऑफिस को इंस्टॉल करने जा रहे होते हैं, तो आपके पास कुछ इस तरह की विंडो आ जाती है जिसमें आपके पास इंस्टॉलिंग ऑफिस लिखा हुआ आता है। बेसिकली ये डायरेक्ट इंटरनेट से कम्युनिकेशन हो रही होती है ऑफिस 365 के सर्वर के साथ, और वो बेसिकली ऑफिस एप्लीकेशन को डायरेक्टली लैपटॉप पर या आपके
डिवाइस पर इंस्टॉल कर रहा होता है फ्रॉम द इंटरनेट। जब ये विजिट कंप्लीट हो जाता है तो फिर आपके पास ऑफिस की एप्लीकेशन अवेलेबल हो जाती है। जैसे कि मैं आपको बताता चलूं कि मैं अपनी इस लेक्चर के टाइम को कंज्यूम प्रॉपरली करना चाहता हूं, तो मैं इस टाइम को कंज्यूम करने के लिए मैंने अपने पास ऑलरेडी ऑफिस 365 प्रो प्लस डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है। लेकिन आप घबराइए मत, मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि आपको किस तरीके से डाउनलोड करना है और किस तरीके से इंस्टॉलेशन की तरफ जाना है। बस हमारा वो वाला टाइम जिसमें ऑफिस 365 इंटरनेट से डाउनलोड हो रहा होगा वो वाला टाइम हमारा बच जाएगा। इसके अलावा मैं आपको सारी चीज़ें इस लेक्चर के अंदर कवर कराता जाऊँगा। तो ऑफिस 365 प्रो प्लस में आपके पास सारी ऑफिस की एप्लीकेशन अवेलेबल हो जाती हैं डेस्कटॉप पर, और आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। उसमें आपके पास स्काइप फॉर बिजनेस का क्लाइंट भी आ जाता है, आपके पास आउटलुक का क्लाइंट भी आ जाता है, आपके पास पावर पॉइंट भी आ जाता है, वर्ड भी आ जाता है। आपके पास सारी ऑफिस की एप्लीकेशन अवेलेबल हो जाती हैं जिनको आप यूज़ करके अपने एंड यूज़र रिलेटेड टास्क कम्प्लीट कर सकते हैं। इसी तरीके से जब हम अब हमारे पास ऑफिस 365 की सर्विसेज ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है, तो हम बेसिकली अपनी उन सर्विस को इस्तेमाल करते हुए ऑफिस 365 के प्रो प्लस इन्वायरमेंट को एक तो इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद जिस मशीन पर हम इंस्टॉल कर रहे हैं, बेसिकली वो विंडोज़ 10 की वर्चुअल मशीन है, वो विंडोज़ सर्वर की मशीन नहीं है, वो विंडोज़ 10 की क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन है, जैसे कि एक एंड यूज़र के पास होती है। और उसमें हम ऑफिस 365 के प्रो प्लस के सेटअप को यूज़ करते हुए उसको इंस्टॉल करेंगे। जब हमारे पास ऑफिस 365 प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो जाएगा, फिर हम ऑफिस 365 की क्लाइंट कनेक्टिविटी करेंगे अपनी उन ऑफिस एप्लीकेशन के साथ जिनको अभी हमने डाउनलोड किया है। तो बेसिकली इस पूरे लेक्चर का मकसद ये है कि मैं आपको ऑफिस 365 की क्लाइंट कनेक्टिविटी करवा सकूँ यूजिंग ऑफिस 365 प्रो प्लस। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी इस लेक्चर थ्योरेटिकल कम हैंड्स ऑन ज़्यादा इसको प्रॉपरली फोकस करें, और साथ साथ मेरे साथ आप लैब परफॉर्म करें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बेसिकली मेरे पास ऑफिस 365 का एडमिन सेंटर है। मैं आपके लिए यहाँ पर एक नया यूज़र बनाऊँगा। और यहाँ पर मैं पासवर्ड जो है वो मैंने दिया है। और यहाँ पर मेरे पास कोई रोल नहीं होगा, बेसिकली ये एक नॉर्मल यूज़र है जिसके पास कोई एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस नहीं है। और यहाँ मैं ऑफिस 365 का लाइसेंस लूँगा। अब ये मेरे पास ऑफिस 365 का ये यूज़र मेरे पास क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ali@uitapublicvm.com। तो बेसिकली हमने ऑफिस 365 पर एक नया यूज़र बनाया ali@uitapublicvm.com। अब मैं इसी यूज़र को इस्तेमाल करूँगा क्लाइंट कनेक्टिविटी के लिए भी, और इसी यूज़र को इस्तेमाल करूँगा ऑफिस 365 प्रो प्लस की डाउनलोडिंग के लिए भी। ये मेरे पास विंडोज 10 की मशीन है, और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ मेरे पास ऑफिस अवेलेबल है। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये ऑफिस मेरे पास आया कैसे। सबसे पहले हम इंटरनेट एक्सप्लोरर पर जाएंगे। यहाँ पर आप portal.office.com पर आएंगे। और यहाँ पर मैं साइन आउट कर रहा हूँ और एक अली से लॉग इन कर रहा हूँ इस जगह पर। यहाँ मैं अली से जा रहा हूँ ali@uita.publicvm.com।
अच्छा, अब मैं इस पे लॉगिन हो चुका हूँ। तो ये मेरे पास एक ऑफिस 365 का एक नॉर्मल यूज़र है जिससे मैं ऑफिस 365 के पोर्टल पर लॉगिन हुआ हूँ। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको ऑफिस 365 प्रो प्लस कैसे डाउनलोड करना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली इंस्टॉल्ड ऑफिस एप्स लिखा हुआ आ रहा होगा आपके सामने। इसमें आप बेसिकली ऑफिस 2016 करेंगे। अच्छा, एक बात मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि अगर आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे ऑफिस 2016 यानी ऑफिस 365 प्रो प्लस, आप एक्चुअली यहाँ से अगर डाउनलोड कर लेते हैं तो ये 32-बिट वर्जन होगा। अगर आप कहते हैं कि नहीं यार, मुझे ऑफिस 365 प्रो प्लस का 64-बिट करना है, तो आप इस जगह पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके सामने नज़र आएगा कि आपको एक तो लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज का ऑफिस 365 प्रो प्लस करना है, या लैंग्वेज भी आपके पास अवेलेबल है। और यहाँ आप एडवांस पर क्लिक करेंगे और यहाँ आप वर्जन भी चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये आपके हाथ में है, आप जैसे इसको इस्तेमाल करना चाहें आप इसको वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ ऑफिस 2016 पर। आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक क्लिक टू रन का सेटअप आपके सामने ऑफिस 365 प्रो प्लस का अवेलेबल है। अब आप चाहें तो आप इसको सेव कर लें अपने पास, यहाँ सेव कर लें। जब आपके पास ये सेव हो जाएगा, अब आप इसको रन करेंगे। जब आप इसको रन करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपसे यूएसी यूज़र अकाउंट कंट्रोल मांगेगा कि आप इस ऑफिस को इंस्टॉल करना चाहते हैं, जो कि बेसिकली एडमिन प्रिविलेज, एक तरीके से एडमिन प्रिविलेज नोटिफिकेशन है। आप उसको यस करेंगे एंड देन आपके पास ये वी आर गेटिंग थिंग्स रेडी का एक बटन आपके पास आ जाएगा ऑफिस 365 प्रो प्लस के लिए। मेरे पास इस मशीन पे हाई स्पीड इंटरनेट है, तो मुझे इसमें बिल्कुल इस चीज़ की घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास ऑफिस 365 बहुत स्लो इंस्टॉल हो रहा है या बहुत टाइम लग रहा है। हो सकता है कि आपके एंड पर ऑफिस 365 प्रो प्लस बहुत लेट इंस्टॉल हो सकता है, लेकिन बेसिकली ऑफिस 365 को इंस्टॉल करने का तरीका यह है कि आप यही विजिट से जाएंगे जो कि मैंने आपको बताया कि आप पोर्टल पे जाएंगे और उसके बाद ऑफिस 365 की ऑफिस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। ये तरीका उन लोगों के लिए है जो कि ऑफिस 365 प्रो प्लस को एज एन इंडिविजुअल के तौर पर डाउनलोड करना चाहते हैं और उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, बेशक वो एक एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो और बेशक वो एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो। अगर हम ये कहते हैं कि हमें ये ऑफिस 365 प्रो प्लस 5,000 डिवाइसेस पर इंस्टॉल करना है साइमल्टेनियसली, मतलब 5,000 डेस्कटॉप की डिवाइसेस हैं जिन पर हमें ये ऑफिस 365 प्रो प्लस इंस्टॉल करवाना है, तब बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है कि आप अपनी 5,000 डिवाइसेस को ओवर द इंटरनेट भेजें और उनको कहें कि तुम जाके ऑफिस 365 प्रो प्लस इंस्टॉल कर लो फ्रॉम द इंटरनेट। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है और ये रिकमेंडेड भी नहीं है। टेक्निकली बेशक हो सकता है पॉसिबल हो, बट रिकमेंडेड तरीका नहीं है। तो बेसिकली आपकी 5,000 डिवाइसेस जो सॉफ्टवेयर ऑफिस 365 प्रो प्लस का डाउनलोड या इंस्टॉल कर रही होंगी वो आपके लोकल स्टोर से कर रही होंगी। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि यार, मैंने अभी कहा कि ऑफिस 365 प्रो प्लस आपको इंटरनेट से डाउनलोड करना है, जब आप क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल होना खुद ब खुद शुरू हो जाएगा। और अब मैं ये कह रहा हूँ कि 5,000 डिवाइसेस के लिए इंटरनेट रिकमेंडेड नहीं है कि वो इंटरनेट पे जाएँ और जाके डाउनलोड करें, बेशक बेसिकली उनको लोकली डाउनलोड करना होगा और इंस्टॉल करना होगा। ये मैं क्या कह रहा हूँ, तो मैं आपको दो बातें यहाँ बताता चलूँ। ऑफिस 365 प्रो प्लस को इंस्टॉल करने के मल्टीपल मेथड्स हैं। पहला मेथड मैंने आपको बताया जिसमें आपके पास ऑफिस 365 एज अ इंडिविजुअल के तौर पर डाउनलोड हो रहा है और इंस्टॉल हो रहा है। दूसरा मेथड ये है कि आप ऑफिस 365 प्रो प्लस को सेंट्रलाइज डिप्लॉयमेंट कर सकते हो। वो कैसे? आपको क्लिक टू रन ही चलाना होगा, लेकिन उस वक्त क्लिक टू रन जो है ना, डाउनलोड और इंस्टॉल के लिए नहीं चलेगा। बेसिकली उस वक्त क्लिक टू रन सिर्फ डाउनलोड के लिए चलेगा, यानी वो सिर्फ ऑफिस 365 प्रो प्लस को डाउनलोड करके लेके आएगा, बस इंस्टॉल नहीं करेगा। जब वो डाउनलोड करके ले आएगा तो अब आपके पास
ऐसे सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूट कराने के लिए मल्टीपल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। आप चाहो तो आप सॉफ्टवेयर शेयर करवा के, फाइल शेयर बना के और फाइल शेयर बना के ऑफिस 365 प्रो प्लस को डाउनलोड करवा सकते हो तमाम की तमाम डिवाइसेस पर जो कि आपके पास लोकली नेटवर्क पे चल रही हैं, और उनको ये बता सकते हो कि आपको सॉफ्टवेयर लेना है लोकल फाइल सर्वर से, ना कि इंटरनेट से। और आप चाहो तो ऑफिस 365 प्रो प्लस को SCCM से भी पुश करवा सकते हो, क्योंकि डाउनलोड तो हो चुका है आपके पास मीडिया। अब आपको वो मीडिया सिर्फ और सिर्फ आपकी तमाम की तमाम क्लाइंट डिवाइसेस पर पुश करना है, तो आप SCCM से भी पुश करवा सकते हो। बेसिकली मैं सिस्टम सेंटर का आर्किटेक्ट भी रह चुका हूँ, तो एज एन सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के तौर पर अगर मैं कहूँ कि मैं एज एन सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के ज़रिए मुझे ऑफिस 365 प्रो प्लस डिप्लॉय करवाना है, तो मैं एक साथ 20,000 to 25,000 डिवाइसेस से भी ज़्यादा डिवाइसेस पर ऑफिस 365 प्रो प्लस डिप्लॉय करवा सकता हूँ फ्रॉम दी वन कंसोल। इसी तरीके से मेरे पास ऐसी बहुत सारी डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी रही हैं जिस पर मैंने ऑफिस 365 प्रो प्लस को एक साथ, मतलब ऑफिस 365 प्रो प्लस को एक सेंट्रल मीडियम पर मैंने डाउनलोड कर लिया, जो कि मेरा सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर की सोर्सेज हैं, वहाँ मैंने उसको डाउनलोड कर लिया। और उसके बाद फिर मैंने वहाँ से सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के ज़रिए एक सॉफ्टवेयर पैकेज बनाया, और उसके बाद फिर मैंने उस सॉफ्टवेयर पैकेज को तमाम की तमाम डिवाइसेस पर, चाहे वो डिवाइसेस मेरी डिफरेंट साइट पर मौजूद हों, चाहे वो डिवाइसेस मेरी लोकली मौजूद हों, चाहे वो डिवाइसेस मेरी ज्योग्राफिकली एतबार से डिफरेंट साइट पर मौजूद हों, मैंने उन पर वो सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन के ज़रिए ऑफिस 365 प्रो प्लस का क्लाइंट पुश करवाया, और वो उन डिवाइसेस पर पुश हो गया, और उसके बाद ऑटोमेटिकली वो ऑफिस 365 का प्रो प्लस उन पर इंस्टॉल हो गया। अब तमाम की तमाम डिवाइसेस पर ऑफिस 365 प्रो प्लस इंस्टॉल्ड है, और वो तमाम डिवाइसेस इंटरनेट पर नहीं गई हैं इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए और इंस्टॉल करने के लिए, बल्कि उन्होंने लोकली उठाया। हाँ, एक्टिवेशन के लिए तमाम की तमाम डिवाइसेस को ऑफिस 365 के पोर्टल पर जाके अपने क्रेडेंशियल दे के ही एक्टिवेट करवाना ज़रूरी है। एक्टिवेशन के लिए आपके पास ये ज़रूरी है कि महीने में एक दफ़ा आप ऑफिस 365 प्रो प्लस के प्रोडक्ट एक्टिवेशन विजर्ड पर साइनिंग करें। और एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि ऑफिस 365 प्रो प्लस क्योंकि एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल लेके चल रहा है, तो हर महीने इसकी लाइसेंसिंग अपडेट हो रही होती है। फॉर एग्जांपल, हम जो ऑफिस 365 बाय करते हैं वो एनुअली बाय करते हैं, लेकिन हम जो पे कर रहे होते हैं एज एन कस्टमर वो मंथली पे कर रहे होते हैं, तो ऑफिस 365 की लाइसेंस एक्टिवेशन मंथली हो रही होती है। तो महीने में एक दफ़ा ऑफिस 365 प्रो प्लस का एक्टिवेट होना ज़रूरी है, रीएक्टिवेट होना ज़रूरी है। एक दफ़ा आपने एक्टिवेट कर लिया, उसके बाद हर महीने आपको एक दफ़ा रीएक्टिवेट करना ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो फिर ऑफिस 365 के फीचर्स आपको ब्लॉक होते हुए नज़र आएंगे। उसका रीज़न ये है कि आपने ऑफिस 365 प्रो प्लस को रीएक्टिवेट नहीं किया है। इसी तरीके से जब भी आप ऑफिस 365 को एक्टिवेट करेंगे, आपके पास इंटरनेट लाजमी होना चाहिए, और वो एक्टिवेट भी आपके क्रेडेंशियल से होगा। आपके क्रेडेंशियल का मतलब ऑफिस 365 की क्रेडेंशियल से होगा। और एथिकल ये है कि जो यूज़र ऑफिस 365 प्रो प्लस को इस्तेमाल कर रहा है, और वही यूज़र ऑफिस 365 प्रो प्लस पर अपने क्रेडेंशियल डाल के उसको एक्टिवेट करेगा, ये एथिकल है, ठीक है। इसी तरीके से ऑफिस 365 प्रो प्लस एक बहुत रिच एनवायरनमेंट बेस्ड ऑफिस 365 एप्लीकेशन है, और एक यूँ समझ लें कि ऑफिस 365 है तो ऑफिस एप्लीकेशन ही लेके चल रहा है साथ, जो कि हमने डिप्लॉय करी है, लेकिन उसमें आपको रिच एनवायरनमेंट मिलता है, मतलब आपको एक रिच यूज़र एनवायरनमेंट एक्सपीरियंस मिल रहा होता है इन एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करते हुए। तो ऑफिस 365 प्रो प्लस मैं समझता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और मैं ये भी समझता हूँ कि जो चीज़ मैंने यहाँ कवर करने की कोशिश की है वो चीज़ मैंने अच्छे से कवर की है। प्लस अगर आपकी कोई भी क्यूरी है ऑफिस 365 प्रो प्लस के हवाले से, चाहे वो जिस रिस्पेक्ट से भी हो, चाहे वो सिस्टम सेंटर के रिस्पेक्ट से हो, आप बेशक मेरे ऑफिस 365 के फोरम पर उस क्यूरी को पोस्ट करें, मैं आपको इंशाल्लाह उस पर आंसर दूंगा।
एंड देयर इज नो नीड टू वरी, आई एम हेयर, देन व्हाई यू आर वरी। तो पहले तो ये समझ लें आपको आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर कोई भी क्यूरी है, आप ऑफिस 365 से रिलेटेड हो, एजोर से रिलेटेड हो, क्लाउड से रिलेटेड हो, आप उसको पोस्ट करें एंड मैं आपको इंशाल्लाह उस पर अपना रिस्पॉन्स ज़रूर सेंड करूँगा। प्लस हमारे पास ऑफिस 365 प्रो प्लस की एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी हैं। अब मैं आपके सामने ऑफिस 365 की क्लाइंट कनेक्टिविटी करूँगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मेरे पास ऑफिस की एप्लीकेशन है। सबसे पहले हम अपना आउटलुक क्लाइंट कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं आउटलुक क्लाइंट को कनेक्ट करने जा रहा हूँ। आउटलुक क्लाइंट को कनेक्ट करना है मुझे अली से, क्योंकि मैंने अली एक यूज़र बनाया है और मैं उससे ही आउटलुक क्लाइंट कनेक्ट करूँगा। publicvm.com and connect। अच्छा, यहाँ पर बेसिकली जैसे आपको पता है, जैसे जैसे ऑफिस ऑफिस का बेसिकली जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एयर होते जा रहे हैं आईटी के अंदर, जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जा रही है, जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होती जा रही है, वैसे वैसे ही ऑफिस के अंदर भी बहुत इम्प्रूवमेंट आती जा रही है। आपको याद होगा जब आप आउटलुक क्लाइंट कनेक्ट करते थे, यानी आप एक मेल बॉक्स को अपने आउटलुक के साथ कनेक्ट करते थे, तो आपके पास कभी भी इस तरह की विंडो नहीं आती थी। एक नॉर्मल सी विंडो होती थी जहाँ आप अपना ईमेल एड्रेस डालते थे, जहाँ पासवर्ड डालते थे और उसके बाद आप अपने मेल बॉक्स को आउटलुक क्लाइंट के साथ कनेक्ट कर लेते थे। लेकिन अब क्योंकि एयर चेंज हो चुका है, अब क्योंकि आपके पास फीचर्स चेंज हो चुके हैं, आपके पास आईटी इंडस्ट्री का लेवल चेंज हो चुका है, आपके पास प्रोडक्ट डेवलपमेंट का लेवल चेंज हो चुका है, सॉफ्टवेयर्स का लेवल चेंज हो चुका है। पहले सॉफ्टवेयर एक मीडिया के ज़रिए डाउनलोड होते थे, अब एक सॉफ्टवेयर बेसिकली आपको एक सर्विस के तौर पर मिल जाते हैं। तो जिस तरीके से टेक्नोलॉजी रोड मैप लेके जाती जा रही है, वैसे ही आपको सर्विसेज भी उस तरह की मिलती जा रही हैं। पहले हम ऑफिस का लाइसेंस बाय करते थे, अब हम ऑफिस का लाइसेंस बाय नहीं करते, अब हम ऑफिस के लाइसेंस का बिल पे करते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो हम बड़ी डिफरेंट कल्चर को अडॉप्ट करते जा रहे हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं अपना आउटलुक क्लाइंट कनेक्ट कर रहा हूँ और ये ali@uitn.publicvm.com का यूज़र ऑलरेडी क्रिएटेड है, मैंने आपके सामने क्रिएट किया था। और अब मैं यहाँ पर उसका पासवर्ड डाल रहा हूँ और यहाँ पर मैंने उसका पासवर्ड एंटर कर दिया है। अब यहाँ मेरा अली का मेल बॉक्स आउटलुक क्लाइंट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। आपके सामने आउटलुक क्लाइंट कनेक्ट हो चुका है और ये मेरा मेल बॉक्स कनेक्टेड है। अच्छा, अब क्योंकि आप आउटलुक पहली दफ़ा इस मेल बॉक्स के साथ आपने कनेक्ट किया है, तो ये फर्स्ट टाइम प्रिपेयर करने में थोड़ा सा टाइम लगाता है। और यहाँ पर आपके पास ये आउटलुक कनेक्ट हो गया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली आपके पास आउटलुक है और ये कनेक्शन स्टेटस। यहाँ देख सकते हैं कि ये आउटलुक आपका ऑफिस 365 outlook.office365.com से कनेक्टेड है और ये बेसिकली SSL यूज़ कर रहा है और ये आपके पास कनेक्टेड है। अच्छा, अब यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि ये बेसिकली ऑफिस 365 का मेल बॉक्स है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके 100 GB मिला हुआ है। मेल बॉक्स साइज आपका 100 GB है, 100 GB आपका मेल बॉक्स साइज है। क्यों? क्योंकि आप ऑफिस 365 एंटरप्राइज E3 लाइसेंस यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से। अब हम स्काइप फॉर बिजनेस कनेक्ट करते हैं और स्काइप फॉर बिजनेस कनेक्ट करने के लिए मेरे पास ये स्काइप फॉर बिजनेस मौजूद है और मैं स्काइप फॉर बिजनेस कनेक्ट करने जा रहा हूँ। तो बेसिकली स्काइप फॉर बिजनेस कनेक्ट करने के लिए मेरे पास कुछ स्टार्टअप पॉइंट्स हैं जिनको मैं सेटअप कर लूँ।
ये मैंने सेटअप कर लिया। अब यहाँ पर मैं दे रहा हूँ ali@uita.public.vm.com। ये मैं लॉगिन हो रहा हूँ इस पर। ये आपसे उसी तरीके से पासवर्ड मांग रहा है। ये मैंने पासवर्ड दिया और मैं अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरा आउटलुक क्लाइंट कनेक्टेड है, ये मेरा स्काई फॉर बिजनेस कनेक्टेड है। तो बेसिकली ये मेरा स्काई फॉर बिजनेस कनेक्ट हो गया और ये मेरा आउटलुक कनेक्टेड है, और इसी तरीके से ये मेरा ऑफिस 365 का पोर्टल कनेक्टेड है। ये तीनों वाली से कनेक्टेड है। अच्छा, अब हम इन पे थोड़ी सी ईमेल वगैरह की टेस्टिंग करते हैं। ये मैं लॉगिन हुआ हूँ फ़ज़ैल ताहिर से, और मैं यहाँ पर ईमेल की टेस्टिंग करने के लिए फ़ज़ैल ताहिर का हुआ ओपन कर रहा हूँ। और ये मैंने फ़ज़ैल ताहिर का हुआ ओपन कर लिया है। अब मैं यहाँ एक ईमेल करूँगा, किसको? अली को। ये अली को मैंने ईमेल की और ये मेरे पास आ गया। और मैंने यहाँ पे टेस्ट ईमेल टेस्ट ईमेल 10:44 PM कराची इस्लाम। इसी तरीके से मैंने ये सेंड कर दी। अब मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, ये मेरे पास ईमेल आ गया। अब इसी तरीके से फ़ज़ैल ताहिर भी बेसिकली स्काइप पर साइनिंग है। अब यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और यहाँ मैं फ़ज़ैल ताहिर को सर्च करता हूँ, फ़ज़ैल ताहिर, और यहाँ मुझे मेरी स्काइप डायरेक्टरी में ये बेसिकली स्काइप की डायरेक्टरी है जो कि पब्लिक स्काइप की डायरेक्टरी है। ये वो स्काइप नहीं है जो आपका स्काइप फॉर बिजनेस है, ये बेसिकली स्काइप की पब्लिक डायरेक्टरी है। मैं पब्लिक स्काइप के यूज़र को भी स्काइप फॉर बिजनेस के अंदर ऐड कर सकता हूँ, और मैं ये भी आपको करके दिखा देता हूँ। बट दिस इज़ नॉट पार्ट इन आर स्कोप ऑफ आर लेक्चर, बट मैं ये आपको करके दिखाता हूँ। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ एक मैसेज भेजूँगा, हाय फ़ज़ैल, और ये मैंने मैसेज भेज दिया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये मैसेज मुझे आ गया, और यहाँ पर मैं इसी मैसेज का चाहूँ तो रिप्लाई भी दे सकता हूँ। ये आप देख सकते हैं, और यहाँ मैंने दे दिया हेलो, हाय अली, इट्स मी, हाय अली, आई एम अली। नाउ यू कैन सी, यहाँ पर आपको इसका रिप्लाई मिलेगा। यू कैन सी यहाँ पर आपको इसका रिप्लाई मिल रहा है। एक्चुअली क्योंकि वो स्काइप फॉर बिजनेस थ्रू वेब है और ये स्काइप फॉर बिजनेस थ्रू क्लाइंट है, तो इन दोनों में थोड़ी सी लेटेंसी है, बहुत मिनिमम सी लेटेंसी है, क्योंकि ये मेरा हाई स्पीड इंटरनेट यूज़ कर रहा है। लेट मी शो यू स्पीड ऑफ इंटरनेट। साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फुजैल ताहिर है जिसने अली को मैसेज किया, सॉरी ये अली है जिसने फुजैल ताहिर को मैसेज किया एंड फुजैल ताहिर ने इसको रिप्लाई किया। तो बेसिकली हमारी स्काइप फॉर बिजनेस पर चिट चैट चल रही है। और यहाँ पर मैं आपको स्पीड दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैं कितनी स्पीड के इंटरनेट पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छा, अब साथ साथ हम यहाँ पर आ जाते हैं। ये हमारा ऑफिस 365 का पोर्टल है और हम ऑफिस 365 के पोर्टल पर हैं और हमने स्काइप फॉर बिजनेस की कनेक्टिविटी की, हमने आउटलुक की कनेक्टिविटी की, हमने ऑफिस 365 प्रो प्लस को डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया और ऑफिस 365 प्रो प्लस के पर्पस को समझा और ऑफिस 365 की डिप्लॉयमेंट टाइप्स देखें कि ऑफिस 365 कितने तरीकों से डिप्लॉय किया जा सकता है। इसी तरीके से मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास और भी बहुत सारे यूज़र्स हैं जिनमें मैं स्काइप फॉर बिजनेस उनको कनेक्ट करवाया, उनको कनेक्ट उन तमाम यूज़र को भी मैं स्काइप फॉर बिजनेस में भी कनेक्ट कर सकता हूँ। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात समझने की है। देखें, मैं एक ऐसे एनवायरनमेंट में हूँ जहाँ मेरा एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन नहीं है ऑन प्रीमिसेस और मेरी सर्विसेज क्लाउड पे चल रही हैं जिनको मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ, चाहे वो स्काइप फॉर बिजनेस हो चाहे वो मेरी आउटलुक की कनेक्टिविटी हो। व्हाट इफ, जो कि हमें समझने की ज़रूरत है क्योंकि हमारा मेजर फोकस ये होना चाहिए और हमारा मेजर फोकस आगे यही होगा, बेसिकली वो ये है कि अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास एक एक्टिव डायरेक्टरी का एनवायरनमेंट है, वो यूज़र मेरा एक्टिव डायरेक्टरी का है जो कि मेरा सिंक क्लाउड पे हो चुका है और मैं उसको स्काइप फॉर बिजनेस पे लॉग इन कर रहा हूँ, क्या ये पॉसिबल है कि मेरा एक स्काइप फॉर बिजनेस का यूज़र और मेरा एक क्लाउड का यूज़र आपस में चिट चैट कर सकें? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है कि मैं अपने ऑन प्रेमिसेस यूज़र जो कि मेरा क्लाउड पे सिंक हो चुका है, जिस पर ऑफिस 365 स्काइप फॉर बिजनेस ऑनलाइन का लाइसेंस असाइन है, मैं स्काइप फॉर बिजनेस पर लॉग इन होकर किसी ऐसे यूज़र से कम्युनिकेशन करूं जो कि ऑफिस 365 पर मौजूद है, जिससे एडी का कोई ताल्लुक नहीं है, जो क्लाउड पर डायरेक्टली क्रिएट हुआ हुआ है, मैं उससे स्काइप फॉर बिजनेस पर कम्युनिकेशन कर सकता हूं। ये एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है जिसका आंसर है कि आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक ऑर्गेनाइजेशन जो ऑफिस 365 पर ऑलरेडी है और एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो ऑफिस 365 पर ऑलरेडी है, क्या ये दोनों आपस में स्काइप फॉर बिजनेस की कम्युनिकेशन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इन दोनों के दरमियान आपको फेडरेशन रखनी है एंड आफ्टर द फेडरेशन ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन आपस में ऑफिस 365 टू ऑफिस 365 स्काइप फॉर बिजनेस लेवल पर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसी तरीके से ये बेसिकली मेरी क्लाइंट कनेक्टिविटी थी जो कि मैंने आपको करके दिखाई और आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ आई होगी मेरी बात और अच्छे तरीके से आपने इसको देखा होगा। प्लस मैं साथ साथ एक और चीज़ लेके चलना चाह रहा हूँ कि मैं आप लोगों को ये दिखाऊं कि वन ड्राइव पर आप लोग कैसे जाएंगे। जैसे कि आप स्काइप फॉर बिजनेस पर आपने लॉगिन कर लिया, आपने आउटलुक पे लॉगिन कर लिया, अब आपको वन ड्राइव यूज़ करनी है, तो आप वन ड्राइव पर कैसे जाएंगे? तो वन ड्राइव पर जाने का तरीका बहुत आसान है। एक तो वन ड्राइव को कनेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं आप थ्रू पोर्टल, और प्लस अगर आपको वन ड्राइव कनेक्ट करनी है तो आप अपने वर्ड पर आ जाएं, वर्ड पर आ जाएं, ये आपका वर्ड है और आप यहाँ आ जाएं और यहाँ पर आप वन ड्राइव को कनेक्ट कर लें। ये आपका वन ड्राइव साइनिंग हो गया। ये मैंने अली से किया है @uita.publicvm.com। ये मैं वन ड्राइव साइनिंग कर रहा हूँ। ये पब्लिक यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि ये पब्लिक UITA और मैंने क्या दिया है, मैंने भी यही दिया है ali@uita.publicvm.com। ओके, तो आप वन ड्राइव को यहाँ से लॉग इन नहीं कर पा रहे। वाई, आप क्यों नहीं लॉग इन कर पा रहे?
अब यहाँ से हम करते हैं, इस अकाउंट पर आते हैं और हम साइन आउट कर देते हैं और हम साइनिंग करते हैं अगेन, साइन आउट। नाउ हम साइनिंग का करते हैं अगेन, अली एट uita.publicvm.com। और यहाँ पर हम इसका पासवर्ड दे रहे हैं और यहाँ पर भी हम जा सकते हैं वन ड्राइव से। ये हमारा वन ड्राइव रेडी, हम यहाँ हमारा ये वन ड्राइव बिल्कुल रेडी हो चुका है अभी। और इसी तरीके से और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपकी वन ड्राइव रेडी हो चुकी है। इसी तरीके से अगर आप वन ड्राइव की क्लाइंट इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप वन ड्राइव का क्लाइंट भी इंस्टॉल कर सकते हैं। वन ड्राइव का क्लाइंट इंस्टॉल करने के लिए क्लिक हेयर टू डाउनलोड, ये आपके पास क्लाइंट आ गया इसका, आपने इसको सेटअप करना है। ये आपका क्लाइंट रेडी है, आपने इसको रन किया एंड सिंपल आपके पास वन ड्राइव का एक फोल्डर बना हुआ आ जाएगा। लेट मी चेक कि क्या वन ड्राइव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर वन ड्राइव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो डेफिनेटली ये इंस्टॉल नहीं होगा। वन ड्राइव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो हम यहाँ चेक कर सकते हैं कि हमारे पास वन ड्राइव यहाँ बनी हुई नज़र आ रही होगी। ये वन ड्राइव है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आपका ईमेल एड्रेस आएगा ali@uita.publicvm.com, publicvm.com। और यहाँ पर आपसे वो पासवर्ड मांगेगा जो कि आपने देना है एज इट इज, और उसके बाद आपके पास यहाँ लॉगिन हो जाएगा वन ड्राइव। ये आपके पास वन ड्राइव रेडी हो गया। ये आपके पास यहाँ वन ड्राइव रेडी, अब यहाँ देख सकते हैं आपके ये वन ड्राइव रेडी हो गया। इधर लेट सपोज अगर मेरे पास कोई फाइल है और मैं यहाँ एक फोल्डर बना रहा हूँ, लेट सपोज मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ, इधर फोल्डर बना रहा हूँ, इसका नाम मैंने दे दिया आईटी, ठीक है। तो अब ये मेरा नीचे सिंक हो जाना चाहिए, सिंक सलाम, ये मेरा सिंक हो चुका है। अगर आप यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको अलीन आईटी नजर आ रहा होगा ये ना। और अगर लेट सपोज मैं यहाँ कहता हूँ कि भाई टेस्ट, ये मेरा टेस्ट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आर सिंक, ओके इट्स ऑलरेडी सिंक। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर मेरे पास टेस्ट का फोल्डर मुझे नज़र आएगा, ये टेस्ट का फोल्डर नज़र आ गया मुझे। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि वन ड्राइव भी आपकी इस तरह से चल सकती है। आप वन ड्राइव को इस्तेमाल कर सकते हैं थ्रू वर्ड, जैसे ही आप कोई डॉक्यूमेंट बनाएं आप उसको वन ड्राइव पर डायरेक्टली सेव करें, जैसे ही आप सेव करेंगे आपको यह नज़र आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ये आपका एक न्यू डॉक्यूमेंट है, इस पर मैंने जस्ट लिखा है हाय इट्स फुज़ैल, फुज़ैल नाइस टू, इट्स मी, नाइस टू सी यू। ये मैंने एक डॉक्यूमेंट सेव किया, जब सेव करने जाऊंगा तो भाई मैंने क्या कहा कि मुझे वन ड्राइव पे ये डॉक्यूमेंट सेव करना है। अब जब मैं वन ड्राइव पे डॉक्यूमेंट सेव करने जाता हूँ तो मुझसे पूछ रहा है कहाँ सेव करना है, मैंने कहा भाई यहाँ सेव कर दो। इसने कहा फाइल का नाम क्या रखना है, मैंने कहा भाई फाइल का नाम रख दो फजैल वन ड्राइव, फजैल वन ड्राइव, इसने फजैल वन ड्राइव सेव कर दी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फुजैल वन ड्राइव की एक वर्ड डॉक्यूमेंट रेडी है।
जो कि आपके सामने अब शेयर पॉइंट पर अपलोड हो रही है। ये फजाइल वन ड्राइव का एक टेस्ट डॉक्यूमेंट रेडी है जो कि मैंने आपके सामने सेव किया वर्ड से डायरेक्ट इधर, और जब मैंने यहाँ किया तो इसका मतलब मेरे पोर्टल पे भी वो नज़र आएगा। ये आपके सामने मुझे जस्ट रिफ्रेश करना है, और जब मैं रिफ्रेश करूँगा मेरे पास आईटी में वन ड्राइव नज़र आ रही है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से नजर आएगी। हाय फजाइल, इट्स मी, नाइस टू सी यू। तो थैंक यू सो मच। आज की जो हमारी लैब है वो बेसिकली एंड यूज़र एक्सपीरियंस से रिलेटेड थी, जिसमें मैंने आपको ऑफिस 365 प्रो प्लस इंस्टॉल भी करके दिखाया, और उसके बाद मैंने आपको ऑफिस 365 की क्लाइंट कनेक्टिविटी और कुछ चीज़ें परफॉर्म करके दिखाई, कुछ अंडरस्टैंडिंग शेयर की। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।